फर्स्ट एडवेंचर। उसकी कहानी भावना से भरी है। तुम्हारा जीवन फालतू की परेशानी से भरा है, जीवन आश्चर्य से भरा है। गाइज, इस प्रकार की छोटी छोटी वाक्य को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से टेक्निक की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको पहले यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में आपके प्रोनाउन या फिर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन यानी पॉजिटिव प्रोनाउन आ सकता है। इसके बाद आपको यूज कर देनी है हैपिंग वर्ब, इसके बाद फुल अप के बाद आपको यूज कर देनी है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसकी कहानी भावनाओं से भरी है। हिज स्टोरी इज फुल ऑफ इमोशंस। हिज स्टोरी इज फुल ऑफ इमोशंस। जीवन आश्चर्य से भरा है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। उसका गाना दर्द से भरा हुआ है। हिज सॉन्ग इज फुल ऑफ पेंस। हिज सॉन्ग इज फुल ऑफ पेंस। तुम्हारा जीवन फालतू की परेशानियों से भरा है। योर लाइफ इज फुल ऑफ अननेसेसरी ट्रबल्स। योर लाइफ इज फुल ऑफ अननेसेसरी ट्रबल्स। सबका जीवन कष्टों से भरा है। एवरीवन्स लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स। एवरीवन्स लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। इस प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई जोखिम नहीं है। उसके साथ बात करने में कोई जोखिम नहीं है। गाइज, इस प्रकार के वाक्य को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से टेक्निक की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको पहले यूज करना पड़ेगा देयर इज नो रिस्क, इसके बाद आपको यूज कर देने इन, इन के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई जोखिम नहीं है। देयर इज नो रिस्क in participating in this contest. There is no risk in participating in this contest. उसके साथ बात करने में कोई जोखिम नहीं है। There is no risk in talking with them. There is no risk in talking with them. LIC में निवेश करने में कोई जोखिम नहीं है। There is no risk in investing in LIC. There is no risk in investing in LIC.